हेलो एवरीवन, पिछली वीडियो मींस इस चैप्टर की पार्ट वन वाली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि टेबल 7.1 आप पूरी फिल कर लीजिएगा। पिछले हफ्ते की पूरा वेदर जो है ना वो आप न्यूज़पेपर से कलेक्ट करके या फिर कहीं से भी कलेक्ट करके आप इसको पूरा फिल करना है आपको। तो अगर आपके पास एक फिल है तो आपको ज़रा अब आगे का पढ़ने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। इसमें देखिए, पहले तो एक इन्होंने इस टॉपिक से अलग ही बात बता दी थोड़ा सा कि रेनफॉल जो है ना वो मेज़र किया जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम होता है रेन गॉज। इट इज़ बेसिकली अ मेजरिंग सिलेंडर विद अ फनल ऑन टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर। ये एक सिलेंडर का टाइप होता है जिसमें रेन वाटर को कलेक्ट करके उसको नाप लिया जाता है। वो अब आगे पढ़ेंगे कि कैसे क्या उसका यूज़ होता है। इसमें बस इतना बताया गया है कि वो एक सिलेंडर होता है और उसी में रेन वाटर को इकट्ठा करके उसको मेजर किया जाता है। अच्छा, अब इसमें इन्होंने पूछा कि जो आपने जो वेदर डेटा बनाया है, वो जो टेबल बनाया है, क्या उसमें सातों दिन का जो टेम्परेचर था वो सेम था? सातों दिनों पे क्या ह्यूमिडिटी और रेनफॉल सेम हुआ था? क्या सातों दिनों पे टेम्परेचर जो मैक्सिमम और मिनिमम था वो भी सेम था? नहीं, ऐसा नहीं, वो रोज़ाना का रोज़ाना डिफरेंट हुआ था, ठीक है। अब एक इन्होंने डार करके बात लिखी, चलिए इसको देखते हैं। द डे टू डे कंडीशंस ऑफ एटमोसफियर एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर ह्यूमिडिटी रेनफॉल विंड स्पीड एट्सेट्रा इज कॉल्ड द वेदर एट द प्लेस, ठीक है। किसी भी प्लेस का जो टेम्परेचर है, वहाँ की जो ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, हवा की गति है, ये सब जो है ना वो क्या होते हैं, वहाँ का वेदर होता है। अब ये जो इसमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारे फैक्टर्स बताए गए, इनको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ द वेदर, ठीक है। द वेदर ऑफ अ प्लेस चेंज डे, जो एक एक जगह का जो टेम्परेचर वेदर होता है वो दिन प्रतिदिन चेंज होता है, इवन दिन में भी चेंज होता है, हफ्ते में भी चेंज होता है, महीने में भी चेंज होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, कभी कभी हम लोग कहते हैं आज बहुत ही गर्मी है, आज बहुत ही ठंडी है, या पिछला हफ्ता बहुत गर्म था, आज थोड़ा ठंडी है, ऐसा बोलते हैं ना। अब देखिए, बता रहे हैं वेदर जो है वो एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है जो छोटे छोटे टाइम पीरियड पे भी चेंज, जैसा मैंने अभी बताया, और हफ्ते भर में चेंज हो सकता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है दिन में भी चेंज हो, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा धूप हो, सनी इन द मॉर्निंग, बट सडनली क्लाउड्स अपीयर फ्रॉम नोवेयर, ठीक है, थोड़ी देर बाद बादल आ जाए, फिर थोड़ी देर बाद बारिश होने लगे, इस तरीके का आपने बहुत बार देखा होगा। तो इसमें कह रहे हैं कि आप इस तरीके का मौसम को एक बार ज़रा रिकॉल करिए, मतलब याद करिए, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, ठीक। अब एक ग्राफ दिया गया है, जो ग्राफ वो दिया गया है वो 3 अगस्त 2006 मीन्स 3 अगस्त 2006 टू 9 अगस्त 2006 एट शिलोंग, एक जगह का नेम दे दिया गया है मेघालय में, वहाँ का टेम्परेचर दिया गया है ग्राफ पे, कि कैसे हम लोग ग्राफ पे मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। चलिए उस ग्राफ को ज़रा समझने का प्रयास करते हैं। ये है देखिए ग्राफ, इसमें दिया गया है, देखिए 3 तारीख को क्या हुआ, टेम्परेचर कितना था, 26 का था, ठीक है। ठीक, उसके जस्ट बाद देखिए, उसके जस्ट बाद 4 तारीख को जो टेम्परेचर हमारा हो गया था वो हो गया था 3.5, यहाँ पे आया ना, तो 23.5। इसके बाद हमारा जो 5 तारीख को जब टेम्परेचर था वो कितना था, 25 डिग्री। तो देखिए इस ग्राफ को देख करके यहाँ पे ये देखिए इन्होंने एक डेटा बना लिया है, ठीक। तो इस ग्राफ को बनाने का ये तरीका होता है, ये समझने का उसको तरीका होता है, ठीक। अब इन्होंने कहा, जैसा कि हमने वेदर रिपोर्ट से समझ लिया है कि जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर है वो रोज़ाना रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक। अब इसको आप ये सोच रहे होंगे कि इसको नापा कैसे जाता है, हमने चैप्टर 4 में कुछ थर्मोमीटर्स के बारे में पढ़े थे, है ना, तो ज़रा उसको आप रिकॉल कर लीजिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी थी थर्मोमीटर्स की, तो आप इस पर टच करिए और देख लीजिए, ठीक। चैप्टर 4 में हमने थर्मोमीटर की जो वीडियो देखी थी उसमें आपको डिफरेंट टाइप के थर्मोमीटर के बताया गया था, उसमें भी कुछ मैक्सिमम टेम्परेचर पॉइंट और कुछ मिनिमम टेम्परेचर पॉइंट बताया गया था, जिन्हें आप पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। तो उसी में से एक थर्मोमीटर होता है जिससे ये मौसम नापा जाता है, ठीक। आप ये बता रहे हैं कि मैक्सिमम टेम्परेचर दिन भर में कब होता है, तो आपको पता होगा आफ्टरनून मीन्स दोपहर में होता है, मिनिमम कब होता है, सुबह सुबह होता है, अर्ली मॉर्निंग,
ठीक, अब आप समझ गए होंगे कि जो समर्स होते हैं मतलब गर्मियों का जो मौसम होता है उसमें आफ्टरनून में इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों लगती है। ठीक, अच्छा, अब एक ये यहाँ पे बॉक्स में दिया गया है कि ये वेदर में चेंज किस वजह से होता है, क्यों होता है, ये इस बॉक्स में दिया गया, जिसका आंसर मैं आपको कल दूंगा। अभी इसमें से थोड़ा और रह गया, वो चलिए देख लेते हैं कि व्हाट अबाउट द टाइम्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट। हाँ, क्या आपको ये पता है कि सनराइज और सनसेट का भी टाइम जो है वो चेंज होता रहता है। ठीक, तो आज आपका होमवर्क जो रहेगा वो आपका यही रहेगा कि आप एक वो बनाएंगे, जैसे आप तीन कॉलम बनाएंगे ऐसे। ठीक, इधर लिखेंगे आप मंथ का नेम, यहाँ पे लिखेंगे मंथ्स नेम होगा यहाँ पे मंथ का नेम, यहाँ पे सनराइज और यहाँ पे सनसेट। ठीक, तीन कॉलम होंगे आपके, एक होगा मंथ्स नेम, इधर होगा मंथ्स नेम, यहाँ पे सनराइज, यहाँ पे सनसेट। ठीक, तीन हो गए। अब यहाँ पे मान लीजिए आपने जनवरी लिखा, तो जनवरी में, पूरे जनवरी में आप, मैं ये नहीं कह रहा कि जनवरी को आपको डेट वाइज लिखना, आपको सिर्फ जनवरी का एक एवरेज लिखना है कि जनवरी में सनराइज कितने बजे होता है, जनवरी में सनसेट कितने बजे होता है, फिर फरवरी में सनराइज कितने बजे होता है यहाँ पे लिखेंगे, और फरवरी में सनसेट कितने बजे होता है, ये आपको आज बनाना है। सही, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। इसके बाद टॉपिक हमारा होगा क्लाइमेट, लेकिन क्लाइमेट के पहले मैं जस्ट आपको ये वाला समझाऊंगा कि वेदर जो है वो किस वजह से होता है, इस तरीके का चेंज क्यों होता है। ठीक, तो आज आपका जो होमवर्क है वो कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपने अभी तक वो वेदर रिपोर्ट नहीं तैयार की थी ये वाली, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिए, और आज जो मैंने बताया वो भी आपको करना है। ठीक है।